सौमी, जिसको MI के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, अब ये जो है फिनांस के सेक्टर में भी इंडिया में अपना पैर धीरे 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 फैलाना शुरू किया। और इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर 10 मिनट में जो है आप 1 लाख रुपया तक का लोन कैसे ले सकते हैं, MI की कौन सी सर्विस है, इसके पीछे जो है कौन कौन कंपनियां काम कर रही है, और अगर आपको लोन लेना होगा तो किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और कितना जल्दी जो है वेरीफाई होकर के आपको पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, सारी बात को समझेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि MI क्रेडिट के थ्रू जो है कैसे फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इनफॉर्मा। देखिए दोस्तों, फिनांस के सेक्टर में जो है सौमी पहले से ही प्लानिंग कर रही थी, जो कि स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में तो है ही, लेकिन साथ साथ फिनांस के सर्विस के लिए क्या किया, ये पहले MI पे लाया और फिर से MI क्रेडिट को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और MI क्रेडिट जो एप्लीकेशन है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, इसमें बहुत सारे खासियत है। सबसे पहली बात यह है कि आप फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था डिफरेंट अलग वेबसाइट का, जहाँ पर आप फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते, तो समझिए उस लिस्ट में एक लिस्ट ये भी ऐड हो गया कि आप MI क्रेडिट जो एप्लीकेशन है इसके थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इसमें लोन के लिए क्या कैसे और किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहली बात है कि ये कम्प्लीटली डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है। आप लोग जानते हुएगा कि मैं आपको बताया था फिनटेक कंपनी के बारे में। फिनटेक मतलब कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को एक साथ मैच करके जो काम करे उस कंपनी को फिनटेक कहते हैं। तो अब ये फिनटेक भी हो गया क्योंकि फिनांस से रिलेटेड है। अब ये करती कैसे है, ये एक्चुअली में 3-4 कंपनियां बैकएंड में इसके लिए है, मतलब इसको सपोर्ट में है। सबसे पहले आदित्य बिरला जो फिनांस लिमिटेड है ये कंपनी, इसके बाद आपको अर्ली सैलरी जानते हुएगा, जेस्ट मनी के बारे में बहुत सारे मेरा वीडियो है वो भी जानते हुएगा, और इसके बाद दोस्तों मनी व्यू जो है वो, मतलब ये सब कंपनियां इसके पीछे सपोर्ट कर रही है। अब होगा ये कि जेस्ट मनी आप लोग जानते हैं कि बिना क्रेडिट कार्ड का जो है आप EMI पे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी चाहे अमेजन से हो, फ्लिपकार्ट से हो, या MI के सर्विस से हो, और डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे ढेरों वेबसाइट है जहां से आप परचेज कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करते रहता हूँ, उसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी बताया था। अब फिलहाल जो चूंकि अभी स्टार्टिंग है तो इसमें ज़्यादा भी लिमिट नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हुएगा पेशेंस के बारे में मैं बताया था कि जो पेशेंस नाम की कंपनी है जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराती है, ऐसा ही MI क्रेडिट भी है जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। अब आप पे डिपेंड है कि आप MI क्रेडिट को सिलेक्ट करते हैं या पेशेंस को सिलेक्ट करते हैं। पेशेंस का जानना है तो पेशेंस का नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, MI क्रेडिट का भी दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इसमें मैक्सिमम लिमिट अभी क्या है। अभी लिमिट जो किया है वो तो 1 लाख है, लेकिन आने वाले समय में बहुत इसको लिमिट बढ़ाएगा। दूसरी बात यह है कि यह सभी शहरों में नहीं अवेलेबल है। सभी शहरों का मतलब यह है कि अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देखिए कि आपके सिटी में अवेलेबल है या नहीं, लेकिन अनाउंस के अनुसार यह है कि बहुत जल्दी जो है बहुत सारे शहरों में यह अवेलेबल हो जाएगा, मतलब कि अगर आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आपको लोन आसानी से दे सके। होगा कैसे, आपको जैसे बैंक में जाते हैं तो लोन अप्रूवल करने के लिए आपकी क्या जरूरत पड़ती है, आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, पेपर वर्क करवाना पड़ता है, मैनेजर के पास झंझट होता है, दौड़िए इसके बाद देता है ना। इतना ज़्यादा जो लफड़ा है जिस कारण से लोग जो है मतलब लोन लेने से कतराते हैं या जिनको जरूरत पड़ती है वो लोन ले नहीं पाते हैं। तो इसके लिए इसने क्या किया, डिजिटलाइज करने के लिए क्या किया, सबसे पहले आपको जो आप ही का है तो आपको एक सेल्फी लेने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पे लोग फोटो अपलोड कर देते हैं, जो फोटो लिया हुआ है वो फोटो अपलोड नहीं होना है, बल्कि यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा से सेल्फी ही लेनी पड़ेगी, ताकि पता चले कि सच में आपका रियल टाइम जो फोटो है वो क्या है, है ना, क्योंकि किसी का फोटो अपलोड कर देगा ऐसे में लफड़ा हो सकता है ना। चलिए हो गया। दूसरा आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो पड़ेगी वो है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में क्या हो सकता है, आपका जो है अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो ये हो सकता है, आधार कार्ड है तो ये भी अभी वैलिड है, जिससे कि आप जो है एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं। और इसके अलावा जो कि फिनांस के दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रूफ होता है और वो है पैन कार्ड। कुछ बातें हैं, इस वीडियो को समझिए पूरा अगर लोन लेना चाहते हैं तो, ताकि आपको कोई भी कंपनी आसानी से लोन दे सके, और कौन कंपनी आपको रिजेक्ट कर देगी तो पहले ही समझ लीजिए ना। ओके, देखिए सबसे पहली बात है कि हम आप अपने एरिया में ही देखिए, किसी से पैसा लेने जाते हैं तो आपको पैसा आसानी से मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात पे डिपेंड होता है कि आपका जो इमेज जिसको साहक कहते हैं वो आपके एरिया में कैसा है।
अगर आपकी बदनामी ज़्यादा है तो आपको पैसा देने से लोग कतराएगा, और अगर आपका इमेज अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्टिव पर्सन है आप, तो आपको कोई भी आसानी से अगर एक बार कहिएगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है वो दे देंगे। ये अलग मैटर के कितने परसेंट से देंगे, क्योंकि इस पर भी डिस्कस करेंगे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो यही चीज़ है दोस्तों डिजिटल दुनिया में। डिजिटल दुनिया में MI कंपनी हो, चाहे पेशेंस हो, चाहे जेस्ट मनी हो, चाहे अर्ली सैलरी हो, चाहे आदित्य बिरला हो, या दुनिया की कोई भी कंपनी हो, आपको पर्सनली क्या जानती है? नहीं जानती है। तो आपको कैसे मतलब लोन दे सकती है, कैसे वो समझेगा कि आप अच्छे इंसान हैं, आप जो है लेंगे उधार तो उसका पैसा जो इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे समय पे, ये पता चलता है दोस्तों क्रेडिट स्कोर से। ओके, क्रेडिट स्कोर का अलग अलग मतलब मापदंड है, और जिसका नाम जैसे सिविल स्कोर कहते हैं ये भी है, तो बहुत सारे हैं। ओके, तो आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है मेंटेन करके रखिए। तो क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, ये चेक करने के लिए भी MI क्रेडिट एप्लीकेशन जो है सफिशियंट है, जहाँ पे आप अपना पैन नंबर जैसे ही इंटर करेंगे मतलब अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप MI क्रेडिट से नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा भी है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा आपको अगर क्रेडिट स्कोर चेक करना होगा तो। अगर क्रेडिट स्कोर आपका 700 से ऊपर रहता है तो दोस्तों कंपनियाँ लोन देने से नहीं कतराती है, कुछ कुछ कंपनियाँ तो इससे भी ज़्यादा जो क्रेडिट स्कोर की डिमांड करती है। लेकिन भैया जहाँ तक 700 से नीचे है तो एक तो जो लोन अमाउंट होगा वो भी बहुत कम हो जाएगा, और दूसरी बात ये है कि आपको शायद ही कोई कंपनी, अच्छा कंपनी, रिप्यूटेड कंपनी दे या ना दे, ये डिपेंड करता है कि मतलब उसका जो है मतलब आपका जो प्रोफाइल है उसका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि उसके पास इतना जो है डेटा एनालिसिस रहता है कि वो एनालिसिस करके जज कर लेता है कि आप पास्ट में कितना काम किए थे, कौन काम किए थे। इस कारण से वो लोग जो है कोई भी पैसा देने से पहले इतना तो जरूर वेरीफाई करेगा। हो गया, चलिए अब यहाँ पे जानते हैं कि अगर MI क्रेडिट से लोन लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। सबसे अहम मुद्दा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा दोस्तों, अगर महीने की बात करें तो 1.35 मतलब 1.35% आपको हर महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इसको समअप करेंगे तो मतलब कि सालाना की बात करें तो 16.2% एक तरह से पर्सनल लोन की तरह हो गया। इसको अदर लोन की तरह नहीं देखें, इसको पर्सनल लोन और इंस्टेंट लोन समझ सकते हैं, जिसमें कि अभी एकाएक आपको 1 लाख की ज़रूरत है तो ऐसे में आप जो है यहाँ पे तुरंत जो है डिजिटलाइज बिना पेपर वर्क जो है कम्प्लीटली जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा की लोन की ज़रूरत है तो मैं आपको एक और एप्लीकेशन रिकमेंड कर देता हूँ इसी वीडियो में, वो है दोस्तों पेशेंस। पेशेंस से रिलेटेड वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाके उसको चेक कर लीजिए। और आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से लोन मिल रहा है अगर आपको ज़रूरत है तो अप्लाई ज़रूर करके देखिए। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो लोन लेना चाहते हैं वो अमाउंट क्या है, ताकि मैं आपको फ्यूचर में सजेस्ट कर सकूं कि आपके लिए बेस्ट जो एप्लीकेशन या बेस्ट कंपनी कौन हो सकेगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं। दूसरी बात है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा तो लगा ही होगा, तो ऐसे में इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करके उनको जानकारी बढ़ाइए कि नया नया एप्लीकेशन आया, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।